अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजेदार रेसिपी स्विस एप्पल टार्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि स्विट्जरलैंड का बहुत ही मशहूर टार्ट है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं स्विस एप्पल टार्ट के इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्विस एप्पल टार्ट बनाने के लिए यहाँ हमारे पास 200 ग्राम मैदा है, जो कि तकरीबन 2 कप जो है, ये मैदा कप के हिसाब से लें तो ये 2 कप है। इसमें एक छोटे साइज का हम अंडा इस्तेमाल करेंगे और ये ठंडा यख पानी है। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो इसमें से 2 या 3 टेबलस्पून पानी ले लेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें लेवल करके मैंने पिसी हुई चीनी ली है, जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं। कोशिश करें कि दानेदार चीनी ना इस्तेमाल करें, आप चीनी को पीस लें तो उसको जो है वो कैस्टर शुगर बना के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें 100 ग्राम जो है वो मेरे पास मक्खन है, ये घर का बना हुआ मक्खन है। इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून क्रीम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले मैदे को छान लेते हैं। यहाँ छन्नी के अंदर इस सारे मैदे को हम छान लेंगे। मैदा छानने के बाद इसमें एक अंडा जो हमने निकाला है वो इसमें मैदा डालेंगे, एक अंडा डालेंगे, इसमें ये चीनी डालेंगे, क्रीम, और 100 ग्राम मक्खन। मक्खन जो है वो इसको ज्यादा आप मेल्टेड मक्खन जो है वो नहीं लेना, थोड़ा सा ये हार्ड है। मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये हार्ड हो जाए। स्विस एप्पल टार्ट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एप्पल चाहिए, जो कि मैंने 2 आदद ये सेब लिए हैं इसकी स्लाइस में कटिंग करके, तो इसको हम टार्ट के ऊपर सेट कर लेंगे। इसमें हमें 2 आदद अंडे चाहिए, 1 टेबलस्पून क्रीम और 200 मिलीलीटर इसके अंदर दूध चाहिए, जो कि 1 कप के बराबर होता है। इसके अलावा इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने 2 या 3 टेबलस्पून जो है वो आप चीनी लेंगे। मैंने ये तकरीबन 2 ही लिया है, इसलिए आप 2 ही लें। और 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें हम मैदा इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून ही सूजी इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जो सेब है उसकी स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। इस एक बॉल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इस दूध को डाल देंगे, जो कि 200 मिलीलीटर है। इसके साथ ही इसके अंदर दोनों अंडे शामिल कर देंगे। इसमें चीनी और मैदा भी ले लेंगे। जो क्रीम हमने ली थी 1 टेबलस्पून, ये क्रीम भी इसमें डाल देंगे। और व्हिस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध और अंडों का मिक्सर अच्छी तरह से फेंट लिए। अब इसे हम एक तरफ कर देते हैं। सेब का छिलका उतारने के बाद इसके बीज निकालिए और इस तरह से हमने इसकी स्लाइस में कटिंग कर ली है। अब आटे के इस डो को हम इस बर्तन के अंदर, जिसे मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ, अब इसके अंदर हम इसको आटे के डो को सेट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और फ्रिज में चूंकि हमने इसको 1 घंटे रखा है, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। 1 टेबल स्पून सूजी इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क देंगे। साथ ही इसको फोक की मदद से इस पर निशान लगा देंगे। अब जो हमने ये एप्पल काटे हैं, ये इस एप्पल को इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एप्पल को बहुत अच्छी तरह से हम इसके अंदर एडजस्ट इसको कर लेंगे। एप्पल लगाने के बाद अब हमने जो दूध और अंडे का और चीनी का क्रीम मिक्सर, जो हमने मिक्सर तैयार किया था क्रीम का, वो इस सारा इसके ऊपर डाल देंगे।
अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। यहाँ देखिए 20 मिनट से गर्म हो रही है। इसमें सबसे पहले स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो हमने टार्ट का ये बर्तन है ये रख देंगे और इसको बेक करने के लिए रख देंगे। टार्ट बेक हो चुका है, अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। स्विस एप्पल टार्ट बिल्कुल तैयार है। 40 से 45 मिनट में इसको मैंने दरमियानी से थोड़ी सी हल्की आंच पर इसको बेक किया है। बहुत अच्छी तरह से इसको लाइट गोल्डन सा कलर इस पर आ गया है और तकरीबन ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर इसमें आना चाहिए, इससे ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।